Hello everyone, I am A.K. Mishra, founder and chairman of Chanakya IAS Academy. आज मैं सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज पर आधारित एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्ञात होगा कि चाणक्य IAS Academy अपनी स्थापना के समय से सिंस 1993 ने लगातार मॉक इंटरव्यू के लिए एक अलग ही अपनी जगह बनाई है। चाणक्य अकेडमी ने सिमुलेटेड कंडीशन में विद द बेस्ट ऑफ पैनल मेंबर्स जो डिफरेंट सर्विसेज से IAS से IPS से फॉरेन सर्विसेज से डिफेंस बैकग्राउंड से टॉप रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ हमने पैनल हमेशा बनाए और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। यदि आप सीनियर से बात करेंगे जो आज सिविल सर्विसेज के टॉप पोजीशन में बैठे हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज मॉक इंटरव्यू चाणक्य में एक्सपीरियंस किया है, वो आपको बता पाएंगे कि हमने किस तरह से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। एंड इन ए वे वी आर कंसिडर्ड एज पायनियर इन दिस फील्ड। इस पूरे पीरियड में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ मौका मिला इंटरेक्ट करने का और उनसे वन टू वन उनकी समस्याओं को समझने का, क्योंकि कैंडिडेट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके अलग अलग बायोडेटा है, उनकी अलग अलग डैफ है और उनसे आधारित डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोज में शेयर किया है, सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट एक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, एक क्वेश्चन आंसर भी नहीं है और ये भी नहीं है कि ये आंसर सही है और यह गलत है। रेलेवेंट आंसर देना और साथ साथ इंपॉर्टेंट यह है कि उसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द आर्ट ऑफ रिवीलिंग डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ योर पर्सनालिटी, वो सारे ट्रेड्स जो सिविल सर्विसेज में आपको आगे काम आने वाले हैं। यूपीएससी में जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, इसमें बेस्ट कैंडिडेट्स चुनने की कोशिश है कि आप ने तो जो नॉलेज प्रिलिमिनरी और मेंस पर लेना था आपने लिया है, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जरूरी है कि जब आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो जो जर्नी आपने प्रिलिमिनरी और मेंस के दौरान लगाया है उस पर आधारित आपने व्यक्तित्व को किस तरह से आपने तराशा है, किस डेवलप किया है, जो आपके सिविल सर्विसेज में जब आप टॉप पोजीशंस में बैठे होंगे, डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, डिसीजंस ले रहे होंगे, पॉलिसी मेकिंग में भाग लेंगे और सर्कमस्टांसेज में भी कैसे आप रिएक्ट करेंगे, इन सब पर आधारित ट्रेड्स का आपका असेसमेंट हो रहा होता है। नेचुरली हर कैंडिडेट की ओरिजिनलिटी का अपना इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी इसको वैल्यू करती है। कोई स्टीरियोटाइप कार्बन कॉपी कैंडिडेट बनने की जरूरत नहीं है, आपकी अपना व्यक्तित्व है। आप गांव से आए हैं, आपके व्यक्तित्व में अपनी अलग मजबूती है, स्ट्रेंथ है, आपका अनुभव है, गांव पे जो संवेदनशीलता आपने डेवलप की है, आप उसी को कैसे प्रेजेंट करते हैं और वो अपने तरह से उस सारे ट्रेड्स को कैसे दिखा सकते हैं, इस पर सब निर्भर करेगा कि आपकी वैल्यू क्या होनी है सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट में। उसी तरह से आप शहर से आए हैं या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से आए, छोटे इंस्टीट्यूशन से आए, यूपीएससी को इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता। आपको बिल्कुल ही न्यूट्रल भाव से, बहुत ही ओपन माइंड से बोर्ड आपका असेसमेंट करता है। दे ट्राई टू क्रिएट वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर यू, ताकि आप सहजता के साथ रख सकें। यस, कभी कभी स्ट्रेसफुल कंडीशन भी बनाए जाते हैं ताकि उस पर आपको चेक किया जा सके कि जब सर्विस में कोई स्ट्रेस का कंडीशन आपके पास होगा और सर्कमस्टांसेस होंगे, तब उसमें आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इट विल ऑल नॉट बी बेड्स ऑफ रोजेस फॉर यू। आपको हमेशा जब आप प्रशासन में जाएंगे तो चुनौतियाँ आएंगी और उसी से आधारित आपकी सारी ड्यूटीज भी डिफाइंड होते रहेंगे। इस सिलसिले में कई सीरीज में मैं आपको अपने केस स्टडी शेयर करूंगा, करता भी रहा हूं। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कुछ सालों पहले की बात है, जब चार अटेम्प्ट हुआ करते थे सिविल सर्विसेज में, एक जनरल कैंडिडेट था, अपने आखिरी इंटरव्यू में उसे मिल गया और उस इंटरव्यू में बड़ी एक टिपिकल टाइप की समस्या के साथ मुझसे मिल गया है। उसके सीनियर्स ने उसको फीडबैक दिया होगा कि तुम्हारी समस्या का निदान शायद A.K. मिश्रा सर ही कर पाएंगे, इसलिए उनसे तुमको मिलना चाहिए। चाणक्य में वो मॉक इंटरव्यू दे रहा था लेकिन बहुत ही परेशान था, टेंशन में था और उस समस्या क्या थी, उसको तुतलाने की समस्या थी। तो जब उससे मिला तो मैंने पूछा कि भाई तुम उसे क्या जानना चाहते हो, तो बोला सर
मैं 3 बार मेंस में क्वालिफाई कर चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरे मार्क्स जो हैं 85-90 वहाँ के रुक जाता है और मुझे मुश्किल से 12 से 15 मिनट के अंदर इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। इन ए वे आई हैव एन एग्जिट आफ्टर 15 मिनट्स मैक्सिमम। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते सर मैं तुतलाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ और शायद बोर्ड इसी कारण से मुझे जो है निकाल देता है और मैं 3 बार से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, इसके बाद मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, पूरी ज़िंदगी का सारा दांव मैंने इस पे लगा रखा है, मेरे पेरेंट्स के भी जो भी रिसोर्सेज थे इस उम्मीद में लगा रखा है कि शायद मैं आईएएस बन जाऊँगा और मुझे उम्मीद है सर मैं बन जाऊँगा। तो मैंने कहा आप मुझसे क्या चाहते हो? बोले सर मुझे सिर्फ अपना मुझे जो है तुतलाना ठीक कर दीजिए, मैं जयपुर से कहीं से इलाज ले रहा हूँ लेकिन मेरा ठीक हो नहीं पा रहा है, मेरा सिर्फ तुतलाना ठीक हो जाए सर तो मैं आईएएस बन जाऊँगा। मैंने कहा देखो ये तुम्हारा ठीक नहीं होगा। बोला सर नहीं हो पाएगा, बड़ा हताश हो गया। मैंने कहा इसको तुम्हें ठीक भी नहीं करना है। तो बोले ये क्या कह रहे हैं सर, हम तो आपसे पूछने आए कि ठीक करना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं ठीक करना है, मेरी बात को समझो, क्योंकि आप जिसको अपना डिसएडवेंटेज समझ रहे हो कि मैं तुतला रहा हूं तो मेरे डिसएडवेंटेज है और इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसको एडवांटेज में आप कैसे बदलोगे। आपने कहीं लिखा हुआ पढ़ा है या कि यूपीएससी के गाइडलाइंस में कि जो तुतलाने वाला है वो आईएएस नहीं बन सकता, कहीं पढ़ा है आपने, कहीं सुना भी है क्या? तो बोला नहीं सर। चलिए हम आपके इंटरव्यू से बात करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़े से सवाल जवाब आपसे करते हैं, डिस्कस करता रहा, कुछ सवाल उससे पूछे, बातचीत करता रहा। 15 मिनट के बाद मैंने फिर पूछा उसे कि अच्छा तुम बताओ मुझसे जानना क्या चाहते हो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में कह रहा हूँ सर को कि मेरा तुतलाना ठीक कर दीजिए और मैं आईएएस बन जाऊँगा और फिर सेम सवाल पूछ दिया। फिर भी उसने इज्जत करते हुए मेरी उसने बोला कि सर एक ही तो सवाल पूछ रहा हूँ सर कि किसी तरह से मेरा तुतलाना ठीक कर दीजिए, मैं कई जगह से ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, जयपुर से जैसे आपको बताया कि वहाँ से भी ट्रीटमेंट मैंने लेने की कोशिश की लेकिन नहीं ठीक हो रहा है। फिर मैं उसे कुछ बातचीत करता रहा, सवाल पूछता रहा, फिर 15 मिनट के बाद मैंने उसको पूछा अच्छा तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो। इस बार वो इरिटेट हो गया, इरिटेट होकर बोला सर एक ही चीज़ तो बार बार बोल रहा हूँ सर, आपको नहीं बताना है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता सर, मुझे अब छोड़ दीजिए मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा सुनो बैठो बैठो, सबसे पहले तो ये सीखो आपको इरिटेट नहीं होना है, ये मैं आपका पहले रिएक्शन चेक कर रहा था, आप इरिटेट हो गए, ये सिचुएशन कहीं भी आपके साथ हो सकता है, तो पहला तो पॉइंट ये नोट कर लो। लेकिन अब आते हैं तुम्हारे मेन मुद्दे पे, तुतलाना ठीक कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ तुतलाना आपका ठीक नहीं होगा। बोला नहीं होगा सर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा सर, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा भाई बचपन से जो चीज़ आपको मिली हुई है कुदरती, वो कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा और आपको ठीक करना भी नहीं चाहिए। बोला सर वो क्यों? मैंने कहा देखो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल परफेक्ट थे और आप कॉन्शियस नहीं थे तो तुतला भी कम रहे थे और आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और आप जो भी बात कर रहे थे बहुत रिलेवेंट आपने बात करी, कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया कि आपके नॉलेज में कमी है, कोई कॉन्सेप्ट में कमी है, प्रेजेंटेशन में कमी है। और जैसा मैंने कहा कि चूंकि आप कॉन्शियस नहीं थे तो इसलिए तुतलाना भी ठीक है, और मैं इंजॉय कर रहा था उसको आपके डिस्कशन को। तो बोला सर ये कैसे फिर यूपीएससी के बोर्ड में मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा ये हो रहा है कि चूंकि आप कॉन्शियस होकर जाते हैं वहाँ तो आप नर्वस हो जाते हैं और तुतला रहा हूँ अब रोकता हूँ, आप उसमें कॉन्शियस हैं कि मेरा तुतलाना ज़्यादा ना हो तो आप उसमें आपकी अभिव्यक्ति आपका एक्सप्रेशन वीक पड़ रहा है और बोर्ड को ये लगता होगा कि आप नर्वस हो रहे हैं तो उनको आपको ज़्यादा देर तक ना खिंचाई करें, टेंशन में हैं तो आप नेचुरली आपको पसीना भी आता होगा, टेंशन में रहते होंगे तो लोग नर्वस समझ करके आपको छोड़ दे रहे हैं कि आप जाइए। और नेचुरली जब आप परफॉर्मेंस आपका हैम्पर्ड हो गया तो नंबर भी आपको 85-90 मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तुमको तो नंबर मिलना चाहिए 200 के आसपास, उसमें 300 मार्क्स का टेस्ट होता था। बोला सर ये कैसे हो सकता है, 85-90 मुझे मिल रहा है और आप कह रहे सर 200 मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है तुम्हारी। तो सर ये कैसे होगा? मैंने कहा सबसे पहले मैं तुमको ध्यान दिलाता हूँ कि तुमने शाहरुख खान के कुछ स्टार्टिंग के दिनों के फिल्म जो सुपरहिट फिल्म बने वो देखे आपने? बोला हाँ। मैंने कहा उसमें एक फिल्म है डर, उसको भी जरूर देखा होगा? बोला हाँ। उसमें जो हीरोइन है उसका नाम क्या है? किरण। आपको ध्यान होगा कि
शाहरुख खान जो हैं उस फिल्म में सीधे किरण नहीं बोलते, किरण बोलने के लिए हकलाते हैं, तुतलाते हैं, और तब बोलते हैं कि 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 किरण। कितना मुश्किल पड़ा होगा प्रैक्टिस करने में, जो आदमी जेन्युइनली जो है हकलाता नहीं तुतलाता नहीं, उसको कितना मुश्किल पड़ा होगा। लेकिन शाहरुख खान जी ने किया और सुपरहिट हीरो बने। तो आप भी सुपरहिट बनोगे, आपको तो कुदरत ने दे रखा है। बोला सर आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे। मैंने कहा देखो बड़ी उम्मीद से आए हो, काफ़ी अनुभव लेके बैठा हूँ, आपको आपको खुश करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बट आप खुश होकर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। आप समझो आप। तो बोला सर मैं क्या करूँ फिर। मैंने कि आज से आप एक तो तुतलाना ख़त्म करना है, इस कोशिश को बंद कर दो। दूसरी चीज़ आप पर गर्व करो कि कुदरत ने आपको एक बोलने का स्टाइल दिया है जिसको अब तुतलाना हकलाना कहते हैं, ग्रेट। और अब आपको और तुतलाना है और बोल्डली तुतलाना है, क्योंकि आपके पास कंटेंट है, मटेरियल है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। तो बोले सर क्या करें। मैंने किया कल जो मॉक इंटरव्यूज देने जा रहा हूँ चाणक्य में, अगले 3 दिन तक लगातार आपका मैं मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, आप फ्री माइंड से आना, अपने को रोज कम्युनिकेट करना कि दिस इज माई स्टाइल ऑफ स्पीच, और ये भावना के साथ आप आओ। 3 दिन आपकी प्रैक्टिस कराते हैं और उसके आधार पर अपने आप को इम्प्रूव करो, कंटेंट जो है सब कुछ ठीक है आपका। वो प्रयास करता रहा बड़ी खुशी के साथ, मैं भी उस बोर्ड में था, फीडबैक जो भी रिकॉर्डिंग उसका कर रहे थे हमने उसको दिखाया, उसको एक्सप्लेन के दिखाया कि देखो कितना अच्छा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा देखो एक काम करना, ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है तो नेचुरली है, जब थोड़ी तुतलाना शुरू करोगे तो हो सकता है बोर्ड को इम्प्रेशन हो कि आप नर्वस हो रहे हो, तो आपको विद इन 2 to 3 minutes टाइम जैसे आप शुरू करोगे इंटरव्यू, आपको चेयरमैन के साइड देख करके एक खाली थोड़ी सी बात आपको रिक्वेस्ट करनी। वो क्या करनी है, आप बोलोगे एक्सक्यूज मी सर आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर, काइंडली बेयर विथ मी, बस आपको इतना ही बोलना है, एंड देन रेस्ट यू कंटिन्यू, और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बोला सर मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन सर ऐसा करना बुरा तो नहीं लगेगा बोर्ड को। मैं कि नहीं, क्योंकि आपको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम को बताना किसी को बुरा नहीं लगता, और जैसा मैंने कहा ये आपका डिसएडवांटेज भी नहीं है, लेकिन बोर्ड को क्लियर हो जाएगा कि आपकी ये नेचुरल प्रॉब्लम है, आप नर्वस नहीं हो रहे। उसने बिल्कुल वैसा ही किया, वो एकदम स्टार्टिंग में ही, वो 2-3 मिनट भी इंतजार नहीं किया, एकदम एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के तुरंत बाद उसने चेयरमैन की ओर रिस्पेक्टफुली देखा और बोला सर आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर, काइंडली बेयर विथ मी। क्या बोला उसने, आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर, काइंडली बेयर विथ मी। एंड चेयरमैन ने कहा ओके ओके प्लीज गो अहेड, डोंट वरी, वी आर विथ यू। सिचुएशन बदल गया, बहुत आराम आराम से बातचीत होती रही, बोर्ड ने खूब इंजॉय किया, उसके तुतलाने के स्टाइल को लोगों ने खूब इंजॉय किया, हंस हंस के उसके आंसर सुनते रहे और पूछते रहे, और जो इंटरव्यू पहले 3 अटेम्प्ट में 20 मिनट 15 मिनट में ख़त्म होते थे, इस बार उसका इंटरव्यू 45 मिनट चला। और आपको पता है उसके नंबर कितने मिले, 210 मार्क्स, एंड ही बिकेम IAS इन द सेम ईयर। सो दिस इज द रियल पिक्चर आई हैव शेयर्ड विथ यू, द रियल स्टोरी ऑफ ए कैंडिडेट। ये बात अपने मन में बिठाने की है, स्पेशली आप में से जो लोग इस बार सिविल सर्विस स्पेशलिटी टेस्ट में जा रहे हैं, आपकी भी कुछ यूनिकनेस होगी जिसको आपने अभी तक अपना डिसएडवांटेज समझा होगा, आप उसको पहचानिए और यदि कोई कमी तो उसको सुधारिए। लेकिन किसी सेल्फ स्टीम को लो करके जाना, मन में बिठा के जाना, और इससे डरना कि क्वेश्चन कोई पूछ लिया तो अब नहीं जवाब दिया तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं यू हैव ए लिबर्टी कि आप 10 बार भी नो करेंगे एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन यदि ब्लफ करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो आपको दिखाना है, क्योंकि देयर आर पीपल देयर जो आपको सामने बैठे हैं, दे आर मोस्ट सीजन्ड पीपल, जिंदगी के बहुत एक्सपीरियंसेस उनके सामने हैं, और दे आर हैव स्कैनर आइज, वो आपको तुरंत समझ जाएंगे कि आप ब्लफ कर रहे हैं। तो अपनी सहजता के साथ जो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान रखते हुए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स का यदि आप फेस करते हैं, तो हो सकता है कि जिसको आप अपनी वीकनेस समझ रहे हैं, डिसएडवांटेज समझ रहे हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाए। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, समझिए, और इन्हीं चीज़ों पर आधारित हमारी सारी कोशिश आपके साथ मॉक इंटरव्यू में रहती है। आप आइए, जो भी हम बेस्ट पॉसिबल होगा अपने अनुभव से आपके साथ हम जुड़ेंगे। I found Chanakya's mock interview program very useful. The
panel of experts that they have is really very, very experienced, and they did help me in trying to find out which are the areas in which I should focus more during my preparation. So that was very useful. What I found is that there's a lot of correlation between the kind of questions they ask you in the panel here in mock interviews as well as the ones that are actually asked in the UPSC interview. So I would recommend that you should go through mock interviews as well. And all the best to every aspirant, and hope you all do very well in life. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.